देखिए माँ का स्वरूप, कितना भव्य है कार्तिकीय। ये देखिए माँ का स्वरूप। अभी पूजा के समय पूरा 10 दिन तक तो घर में पूरा देखिए कार्तिकीय को गोद में ली हुई है माँ स्कंद माता। स्कंद कार्तिकीय जो है गणेश और कार्तिकीय दो पुत्र हैं माँ पार्वती का, तो उसमें से स्कंद जो है नाम है कार्तिकीय का, तो उनको गोद में ली हुई हैं इसीलिए इनका नाम स्कंद माता। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। आज नवरात्र का 5वां दिन है माँ स्कंद माता का पूजा का। आज 5वां दिन में माँ स्कंद माता का पूजा होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का होता है। भगवान स्कंद मतलब कार्तिकीय की माता होने के कारण 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन शास्त्रों के पुष्कल महत्व है। साधन का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पदासन माँ स्कंद माता के स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। माँ का स्वरूप शास्त्रानुसार स्कंद माता मातृ रूपेण देवी का 4 भुजा है, जिसमें देवी अपने ऊपर वाली दाई भुजा के बाल कार्तिकीय को गोद में उठाई हैं। नीचे वाली दाई भुजा में कमल पुष्प लिए हैं। ऊपर बाई भुजा में उन्होंने जगतारण बरद मुद्रा में है बाई ओर कमल रखी है और कमल पे आसन कर विराजमान रहती हैं। उसे पदासन देवी भी कहा जाता है। सच्चे मन से पूजा करने से स्कंद माता की सभी भक्तों की इच्छा पूरी होती है, कष्टों से दूर होते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना जाता है। माता का उत्तम माना जाता है। इस तरह माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल पुष्प, पीले चावल, 1 नारियल को बांधकर माता की गोद भर दें। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारी गूंजने लगती है। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती है। पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम का वात्सल्य साक्षात प्रतीत होता है। शारदीय नवरात्रि के शुक्ल पक्ष में 5वीं तिथि में प्रातः काल स्नान करने के बाद पूजन करने की विधि बता रहे हैं। स्वच्छ कपड़े धारण करके इसके बाद माँ का पूजन करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें या अगर कैलेंडर है तो उसको पोंछ दें। इसके बाद माँ का पूजा करें। तो इस तरह माँ का पूजा करने से आपकी सब परेशानी, सब विपत्तियाँ दूर होगी और आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। तो स्कंद माता का स्वरूप जो है 5वां दिन सुख शांति देने वाला होता है। आपके घर में जो है नए मेहमान के भी आगमन हो सकता है। तो इस तरह करके अब अगले दिन के लिए फिर मैं आपको छठी पूजा 6th डे के फिर आपको दूसरा कथा बताऊंगी कि कैसे पूजन करें। तब तक के लिए नमस्कार।